नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं धनंजय। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। किसी भी देश के लीडर या लीडर्स को एक अच्छा ऑडिटर होना जरूरी होता है। इससे उस देश के जनता में एक पॉजिटिव मैसेज जाता है, जहां उनको लगता है कि उनके अंदर भी क्षमता है। लेकिन क्या हो अगर आपके लीडर्स सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करें, जिसका ग्राउंड रियलिटी से कोई वास्ता ही ना हो। इसी महीने के 27 तारीख को पीएम मोदी नीति आयोग के मीटिंग को अटेंड कर रहे थे, जहां पे उनका कहना था कि 2047 तक भारत एक विकसित भारत बन जाएगा। चाहे आप बात करें विकसित भारत की या विश्व गुरु भारत की, अगर आप इन सब शब्दों को डीकोड करना चाहें और आप ये समझना चाहें कि किन किन पॉइंट्स को कंसिडर करके भारत एक विकसित भारत बनेगा या विश्व गुरु बनेगा, तो कहीं से आपको कोई जानकारी नहीं मिलेगा। साथ में इसी मीटिंग में कोई साफ या स्पष्ट तरीके से ये नहीं बताया गया कि किन किन तरीकों से भारत एक विकसित भारत बनेगा 2047 तक। सबसे पहले हम एक एलिमेंट्री आइडिया जान लेते हैं कि आखिर में नीति आयोग है क्या। तो 2014 के पहले कांग्रेस की सरकार थी, जहां पे प्लानिंग कमीशन हुआ करता था। अगर आप बात करेंगे नीति आयोग वर्सेस प्लानिंग कमीशन का, तो प्लानिंग कमीशन एक ज्यादा मजबूत बॉडी था और इसके जो रिकमेंडेशंस थे उसको जनरली सरकार इग्नोर नहीं करते थे। वहीं पे अगर आप बात करेंगे नीति आयोग के बारे में, तो ये इतना स्ट्रांग बॉडी नहीं है और इसके रिकमेंडेशंस को भी कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है। नीति आयोग के जो चेयरपर्सन होते हैं वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं। तो इसी नीति आयोग के मीटिंग में पीएम मोदी कहते हैं कि 2047 तक भारत एक विकसित भारत बन जाएगा। सो एक बात बहुत स्पष्ट कर दूं कि किसी भी देश के डेवलपमेंट में जितना वहां के केंद्र सरकार का हिस्सेदारी होता है, उतना ही हिस्सेदारी वहां के राज्यों का भी होता है और यही चीज भारत में भी इम्प्लीमेंट होता है। जब हम रोजगार की बातें करते हैं या डेवलपमेंट की बातें करते हैं, तो हम ये ना भूलें कि सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी केंद्र सरकार की बनती है और राज्य की नहीं बनती है। इसी मीटिंग में पीएम मोदी आगे बढ़कर कहते हैं कि भारत को कुछ ऐसे पॉलिसीज बनाने पड़ेंगे जिससे कि इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट को लाया जाए, यानी कि बेसिकली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बातें की जा रही है। और क्योंकि बीते कुछ सालों में जिस तरीके से टेक्नोलॉजी में बदलाव हुआ है, सेमीकंडक्टर का इम्पोर्टेंस बढ़ा है या ड्रोन का इम्पोर्टेंस बढ़ा है, तो इन सब चीजों के ऊपर भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन अगर आप एक बहुत ही बेसिक सा चीज जानना चाहेंगे, तो बीते 10 सालों से एक ही कोलिशन की सरकार है और अगर आप बीते 10 सालों में टेक्नोलॉजी के फील्ड में बातें करें या इनफैक्ट बहुत हद तक आप मेक इन इंडिया या स्किल इंडिया के बारे में बात करें या वोकल फॉर लोकल के बारे में बात करें या इसके बारे में अगर आप जानना चाहेंगे, तो आपको कहीं से भी कोई खास जानकारी आपको नहीं मिलेगा। कहने का मतलब है कि ये सब इनिशिएटिव्स अपने आप में काफी अच्छे इनिशिएटिव्स थे, लेकिन जो सबसे बड़ा इशू होता है वो ये होता है कि आप इनिशिएटिव्स तो लॉन्च कर देते हैं, फंड्स एलोकेट कर देते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा दिक्कत होता है वो उसके एग्जीक्यूशन में होता है। तो अगर किसी भी देश के हेड ऑफ स्टेट ये कहते हैं कि उनको पॉलिसीज बनाने पड़ेंगे, तो जब आप खुद ही हेड ऑफ स्टेट हैं, तो आप ये बात किसको कह रहे हैं कि पॉलिसीज बनाने की आवश्यकता है। और स्पेसिफिकली अगर बात किया जाए भारत के पर्सपेक्टिव का, तो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के ऊपर सबसे ज्यादा टैक्स का बर्डन पड़ता है और साल 2024 का जो बजट पेश किया गया है, इससे शायद ही कोई लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास फैमिली खुश है। और साथ में जिस रफ्तार से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, सरकार इन सबको एड्रेस नहीं करते हैं। बीते कुछ महीनों में एक के बाद एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन अगर आप बात करेंगे कि अकाउंटेबिलिटी किसकी बनती है, तो कभी भी सरकार के कोई प्रोमिनेंट लीडर सामने आके ये नहीं कहते हैं कि उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और जो भी कमियां रही है उसको सही किया जाएगा। तो जब आप ये कहते हैं कि भारत को 2047 तक एक विकसित भारत बना दिया जाएगा, तो सिर्फ आपके मात्र कहने भर से नहीं होता है। और उसके बाद जिस तरीके से अभी पेरिस ओलंपिक हो रहा है, अगर आप चाइना का मेडल टैली को देखेंगे, तो उनके पास अब तक 5 गोल्ड, 5 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल है। और वहीं पे अगर आप भारत की बात करें, तो हमारे पास अब तक 2 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। इसके पीछे का वजह ये नहीं है कि हमारे अंदर क्षमता नहीं है, हमारे अंदर कूट कूट के क्षमता है, लेकिन अगर आप बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं करेंगे, अगर आप स्टेडियम को नहीं बनाएंगे, या तो आप किसी भी तरीके से अर्ली एज से अगर आप स्पोर्ट्स को बढ़ावा नहीं देंगे और महज कागजों तक ही ये सब बात सीमित रह जाएंगी, तो आप ये भूल जाइए कि हम कभी भी किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे विकसित भारत बनेंगे या बन सकते हैं। जहां तक बात किया जाए 2047 तक, तो भारत में अभी तक सेमीकंडक्टर के ऊपर काम नहीं हो रहा। भारत में अभी भी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो बहुत ही खराब क्वालिटी की आ रही। तो कहने का मतलब है कि अगर आपका प्रेजेंट इतना ज्यादा खराब है, तो आप फ्यूचर को किस हिसाब से अच्छा कर सकते हैं। और जहां तक बात किया जाए, तो 92-93 तक चाइना की जो इकोनॉमी थी वो भारत के साथ बराबर थी, लेकिन उसके बाद आज के
डेट में चाइना और हमारे इकोनॉमी के बीच में इतना बड़ा गैप क्रिएट हो गया है कि उस गैप को अगर आप देखेंगे खुद से तो आपको समझ में नहीं आएगा कि एग्जैक्टली भारत उसके आसपास भी कैसे पहुंचेगा। क्योंकि अभी पेरिस ओलंपिक चल रहा है इसलिए जरूरी होता है कि हम जाने कि हमारा क्या प्रेजेंस है पेरिस ओलंपिक में। इनका नाम है जसपाल राणा और ये मनु भाकर है जो कि इनको इंडिविजुअल कैटेगरी में भी और मिक्स में भी इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है। अगर आप इनकी कोच की बात करें तो इनको 3 साल से सैलरी नहीं मिली थी। अगर इनको 3 साल से सैलरी नहीं मिलेगी तो आप ये बताइए कि अगर किसी भी टीचर या कोच को अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो वो किस हिसाब से अपने देश के लिए काम करेगा या अपने प्रोफेशन के लिए वो ईमानदार रहेगा। इसी बीच अगर कोई दूसरा देश अगर इनको अधिक पैसे देगा तो ये उस देश में क्यों नहीं जाएंगे। तो हो सकता है ये चीज सुन के बहुत ही छोटी मोटी चीज लगे, लेकिन जब आप विकसित भारत या विश्व गुरु की बातें करते हैं तो वो सिर्फ 1 या 2 पैरामीटर पे हम जज नहीं करते हैं बल्कि हम मल्टीपल पैरामीटर्स पे किसी भी देश को जज करते हैं। और साथ में अगर बात किया जाए किसी भी देश के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट होता है वो 2 चीजों में होता है। एक होता है एग्रीकल्चर में, दूसरा होता है एजुकेशन में। चाहे आप स्कूल लेवल एजुकेशन की बात करें, चाहे आप यूनिवर्सिटी की बातें करें, चाहे आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात करें, हर जगह जब तक आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, जब तक आप उस चीज को सिस्टमैटिक तरीके से मॉनिटर नहीं करेंगे, तब तक वो देश सिर्फ और सिर्फ सामानों को इम्पोर्ट करता हुआ ही रहेगा। और एज अ रिजल्ट ये होगा कि वो देश कोई भी नया चीज के ऊपर काम नहीं करेगा क्योंकि जो कंपनी या इंडिविजुअल्स रहेंगे उनके पास कोई इंसेंटिव नहीं बचेगा। और खास करके अगर हम बात करें भारत के किसानों का तो ये बकायदा NCERB का डेटा है जो ये कहता है कि कम से कम 1 किसान या 1 फार्म लेबरर हर घंटे भारत में सुसाइड करते हैं। और ये डेटा ध्यान रखें सरकारी डेटा है और लगभग दुनिया की हर सरकार चीजों को अंडर रिपोर्ट करती है। उसके बाद साल 2019 से जो किसानों का सुसाइड रेट है वो हर साल बढ़ता हुआ आया है। और जहां तक बात किया जाए उनके आमदनी का तो उनका आमदनी भी काफी घटा है। ये बात सच है कि एग्रीकल्चर एक स्टेट सब्जेक्ट होता है, लेकिन इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता है कि केंद्र का भी इसके पीछे बहुत ही बड़ा एक रोल होता है। जहां पे अगर वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसे खर्च करें, बड़े बड़े मशीन्स को इंट्रोड्यूस करें और राज्यों के साथ मिलकर एक प्रॉपर एग्जीक्यूशन करें प्लान का, तो आज के डेट में जो किसान सुसाइड कर रहे हैं उनको अपने ही खेत से कम 10 गुना उनको बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि जो खेती होता है यहाँ से रॉ मटेरियल्स जनरेट होते हैं। आज के डेट में अगर चाइना रूल करता है तो उसके पीछे का वजह भी यही है कि वो काफी सालों से अलग अलग स्पेसिफिक फील्ड्स के ऊपर काम करता हुआ आ रहा, जिसके कारण वो कंप्लीट तरीके से एक मोनोपोली क्रिएट कर चुका है मार्केट में। साल 2022 में 11,290 सुसाइड्स हुए थे। वहीं पे बात करें साल 2021 का तो तब हुए थे 10,281। और ये जो डेटा है ये हर वक्त बढ़ता ही जा रहा। अगर कभी सूखा पड़ जाता है तब भी किसान मरते हैं, और अगर किसी भी तरीके से अधिक अगर अनाज हो जाता है तो उनके पास स्टोरेज फैसिलिटी नहीं होता है। किसी टाइम पे जो फॉरेनर्स थे या खास करके जो यूरोपियंस थे वो भारत इसीलिए आते हैं क्योंकि उनको भारत के मसालों के बारे में मालूम था। लेकिन अगर आप आज के बारे में बात करेंगे तो हम पाम ऑयल बाहर से इम्पोर्ट करते हैं, और जिस हिसाब से हमें खेती के ऊपर फोकस करना चाहिए या जो सॉयल का क्वालिटी है या ओवरऑल जो एक कोलैबोरेटिव तरीके से स्टेट के साथ मिलके काम करना चाहिए, वो सब तरीका कंप्लीट तरीके से मिसिंग है। जहां तक बात की जाए महाराष्ट्र के बारे में तो महाराष्ट्र में किसानों की स्थिति जो है वो सबसे खराब है। लेकिन यही वो स्टेट है जहां पे चाहे शिवसेना हो गया या जब यहां पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव होते हैं तो ऐसा लगता है कि ये पूरा देश का चुनाव है। उसके पीछे का वजह है कि बॉम्बे म्युनिसिपल काउंसिल दुनिया का सबसे रईस म्युनिसिपल काउंसिल है, जिसका मतलब ये होता है कि अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का उसके ऊपर कब्जा होता है तो उनको टंस एंड टंस ऑफ फंड्स एलोकेट होते हैं। और उसी प्रदेश में जो किसान है उनका जो स्थिति है वो सबसे खराब है। आज के डेट में जो महानगरों में इतना ओवर पॉपुलेशन हुआ है उसके पीछे का वजह यही रहा है कि जिस तरीके से सरकारों को फोकस करना चाहिए एग्रीकल्चर के ऊपर उस तरीके से फोकस नहीं हुआ है। एज अ रिजल्ट लोग शहरों की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं और तकरीबन सभी शहरों का यही हाल है। और जब हम ये बात करते हैं कि साल 2047 तक हम एक विकसित भारत बनेंगे और बनाएंगे तो आपको और भी पैरामीटर्स बताने होते हैं। और जब कहीं पे भी इस तरीके से ट्रेन एक्सीडेंट होता है तो हमें उस चीज का भी अकाउंटेबिलिटी लेना पड़ेगा। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप मुझे ईमेल करके बताएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू। टेक केयर। गुड बाय।